अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। मैं आपके सामने दो डिशेस बनाने जा रही हूँ और दोनों में मटन का यूज कर रही हूँ। और मैं साथ साथ आपको बताती जाऊंगी कि मैं दोनों कौन सी डिशेस बना रही हूँ। एक तो मैं नमकीन गोश्त बना रही हूँ और दूसरी भी मैं साथ साथ आपको बताती चलूंगी। इन दोनों डिशेस को मैं एक ही टाइम पे बनाऊंगी और एक ही पैन में मैं गोश्त को गलाने के लिए रखने वाली हूँ। तो ये मैंने इसका जो मीट मैंने लिया है ये मैंने चर्बी वाला लिया है, क्योंकि मैं नमकीन गोश्त बना रही हूँ इसमें थोड़ी थोड़ी चर्बी भी होगी अपनी, तो वो ज्यादा टेस्टी बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम मीट को पैन में डालते हैं। इसमें हड्डी वाला गोश्त भी हो तो ज्यादा मजे का बनता है। लहसुन ग्राइंड करती हूँ और इसमें लहसुन भी ज्यादा जरूरत होगा। अब मैं इसको ग्राइंड करती हूँ। कि ये इस तरह का मैंने कर लिया। अब इसी में मैं ये पांच हरी मिर्चें हैं इस साइज की, इनको भी ग्राइंड कर लेती हूँ। हमें हरी मिर्चें बिल्कुल ऐसे कर लेनी है। अब हम चूल्हे को ऑन करते हैं और इसमें हम तीन ग्लास पानी ऐड करते हैं, साथ में 1.5 टेबलस्पून इसमें नमक ऐड करते हैं। इसमें मैं तकरीबन 3 टेबलस्पून ऐसे भर के 3 टेबलस्पून में इसको हम अब मिक्स करते हैं। तो अब हम 15 मिनट के बाद इसे देखते हैं। अब हम इसे देखते हैं। इसमें भी थोड़ा सा पानी बाकी है। अब हम इसे चेक करते हैं गोश्त कैसा गल गया है या नहीं। ये देखें ये गल चुके हैं, ये देखें ये पीस कर रहा है, ये गल चुके हैं। अब इसको हम ये जो इसमें पानी है ना, ये पानी वाली में मैं नमकीन वाले गोश्त को बनाऊंगी और दूसरा मैं अलग से बनाऊंगी। ये मैं जो मसाला मैंने बनाना है उसके लिए मैं अलग से पॉट में निकाल के रख रही हूँ और ये वाला इसी में बनाऊंगी। अब मैं इसमें से थोड़ी सी जखनी भी उसी में ऐड करूंगी। जब तक इसका पानी खत्म नहीं होता तब तक हम इसे भून दें। अब मैं पहले नमकीन गोश्त रेडी कर लेती हूँ। और नमकीन गोश्त हर कोई अपने अंदाज से बनाता है, हर किसी का अपना अंदाज होता है। बात कहते हैं कि नमक और गोश्त में और चर्बी में बनता है, हर बंदे का अपना स्टाइल है। और मेरा ये है कि मैं लहसुन भी डाला है मैंने इसमें और नमक भी डाला है। अब मैं इसमें काली मिर्ची ऐड कर रही हूँ।
अब मैं इसमें 1 टीस्पून काली मिर्च ऐड कर रही हूँ। इसमें मैंने सिर्फ 1 टीस्पून बटर ऐड किया है। अब ये मैं नमकीन गोश्त वाले को कवर करती हूँ जब तक मैं साथ साथ दूसरा बना लेती हूँ। मैंने ये दालचीनी ली है और ये मैंने लौंग लिए हैं और थोड़े से काली मिर्चें साबुत, इस सब साबुत मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा लहसुन ऐड करूंगी जो कि मैंने अभी ग्राइंड किया था। अब मैं नमकीन गोश्त को यहाँ से, ये रेडी हो चुका है, मैं इसको यहाँ से उठाती हूँ। मैं दोनों को इकट्ठा सर्व करूंगी और मैं इसको बनाती हूँ। अब इसका जो ये गोश्त है वो तो बिल्कुल गल चुका हुआ है, तो अब मैं इसमें टमाटर ऐड करूंगी जो कि मैंने 4 टमाटर लेके उनके छिलका उतार लिया हुआ है और उनको मोटा मोटा काट लिया है। अभी टमाटर डलते हैं, इनको मैं कवर करती हूँ। अब हम इसे चेक करते हैं। टमाटर गल गए, बिल्कुल गल गए। अब मैं इसमें हाफ टी स्पून सूखी मिर्ची और हाफ हल्दी ऐड करूंगी और इसके साथ ही मैं हाफ टी स्पून काली मिर्च। अब मैं इसमें हाफ टी स्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ और अगर आपको ज्यादा कम लगे तो आप और भी कर सकते हैं, वो आपके टेस्ट पर है। सब्ज मिर्चें 1 टीस्पून भर के ऐड करती हूँ। अब हम इसमें ये गोश्त ऐड करते हैं। थोड़ी सी यखनी भी साथ, अब इस यखनी में थोड़ा सा इसको पकाएंगे। अब इसमें मैं 2 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम ऐड करूंगी। ये भी रेडी हो चुका है और अब मैं इसके ऊपर थोड़ी सी हरी मिर्च ऐड करती हूँ। और मैं आप इसको सर्व करती हूँ।